आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। उज्जैन जिले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। स्थिति यह है कि अस्पताल के वार्डों में न तो कोई व्यवस्थाएं हैं और न ही अन्य किसी तरह की सुविधाएं ही। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने नाराजगी जताई है। उनका यह कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को न तो अस्पताल से दवाइयां ही मिलती है और न बिस्तर पर चादर या तकिया ही मरीजों को मिलते हैं। जिला चिकित्सालय की हालत बहुत खराब है और अब तो चरक हॉस्पिटल जो अभी कुछ समय पहले बना था उसकी स्थिति अभी खराब है। जिला चिकित्सालय में ना तो दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्सिंग स्टाफ है, और तो टूटे हुए पलंग, बंद पड़े एसी, टूटे हुए पंखे और सारे बाथरूम, वहाँ पर जो व्यक्ति जाए तो हो सकता है और दूसरी बीमारियाँ भी घेर ले उसको। मान लो अगर एक बीमारी का इलाज कराने जाता है तो दूसरी बीमारियाँ भी उसको वहाँ पर हो सकती है। मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से कि वे केवल घोषणा करना बंद करें, उद्घाटन और फीता काटना बंद करें, हर जगह जगह वो जो नरियल फोड़ते हैं उद्घाटन का वो बंद करें और वास्तविक रूप में जो कांग्रेस सरकारों को टाइम के हॉस्पिटल है, बड़े बड़े एम्स है, उन सब की व्यवस्था करें। अगर वो उसकी व्यवस्था अगर उचित कर देंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नागरिकों को, शहर के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। पर ये कोई काम करना नहीं, केवल घोषणा करना है, नारियल फोड़ना है, फीते काटना है और देश के लोगों को बताना है कि शिवराज सिंह चौहान आम लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधा सबसे अच्छी होना चाहिए, जो इस उज्जैन शहर में कहीं नहीं है। ये भगवान महाकालेश्वर की नगरी है, यहाँ जितने लोग रहते हैं कभी कभी उतने लोग ही बाहर के लोग भी यहाँ पे आ जाया करते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है चुस्त तो दुरुस्त होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर बाहर के श्रद्धालु भी अगर कोई बीमार है, अगर 5 लाख लोग शहर में आ गए तो ये बात तय है मौसमी बीमारी, हवा पानी, जलवायु परिवर्तन में अनेक लोग बीमार होते हैं। पर जिला चिकित्सालय में ये सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मैं जो नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं उनका स्वागत तो करता हूँ पर ये भी कहता हूँ कि पुराने हॉस्पिटल को ठीक करें। देखिए हमारे पास जितनी बेड की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वैसे हम भर्ती मरीज करते नहीं है। मैंने जो वीडियो देखा है उसमें गद्दा है बेड पे, वो मरीज ने गद्दा नीचे रख के वो खुद ही नीचे सो गया है। स्टाफ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मरीज गद्दा नीचे लगा के ना सोए, बेड पे ही लेटे। और दूसरा आपका जो गद्दे की वाली बात है उस पर मैं दिखवाता हूँ अभी कौन से बेड पे ऐसी दिक्कत आई है गद्दे वाली, उसको चेंज भी करवाते हूँ और जवाब कार्रवाई भी करते हैं।